अस्सलाम वालेकुम कंप्यूटर पीके पे। आज वो आप लोगों के लिए हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, वो है एचपी का 135A। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन है इस प्रिंटर का। 3-in-1 MFP प्रिंटर है, यानी कि आप इसे कॉपी प्रिंट स्कैन तीनों काम से आप ले सकते हैं। हमारे पास इसमें कॉपी का ऑप्शन जो है उसमें 20 पेजेस पर मिनट, यानी कि 20 कॉपीज़ पर मिनट आप इससे कर सकते हैं। उसके अलावा रिड्यूस और इनलार्ज का ऑप्शन है, जिसमें आप 25% तक रिड्यूस और 400% तक इनलार्ज कर सकते हैं। और कॉपी की रेजोल्यूशन जो है इसकी वो 600x600 DPI है। मेमोरी की तरफ अगर आएँ तो मेमोरी इसकी 128 MB स्टैंडर्ड आती है। ये 135A मॉडल है। ए मॉडल यानी कि इसमें ना आपके पास नेटवर्किंग का ऑप्शन है, ना आपके पास वाईफाई का ऑप्शन है। पेपर साइज़ की अगर हम बात करें तो A4 लीगल साइज़ और A5 साइज़ आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर जो वेट है वो आप 60 ग्राम से लेके 160 ग्राम तक इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग कार्टरेज जो है इसमें 105A इस्तेमाल होता है। तो जब प्रिंटर न्यू लेते हैं आप, उसके साथ डेमो कार्टरेज आता है, तो उसकी प्रिंटिंग रिलेटिवली कम होती है, तकरीबन 600 से 800 प्रिंट तक। प्रिंटिंग रेजोल्यूशन की बात करें तो 1200x1200 है, जो कि बेहतरीन प्रिंटिंग रेजोल्यूशन है। स्कैनिंग की बात करें तो 4800x4800 DPI, जो कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की स्कैनिंग करता ही है। तो जब हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो हमारे पास 3 किस्म की इसमें पावर केबल्स दी हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। उसके अलावा प्रिंटर केबल है, क्योंकि ये नेटवर्क और वायरलेस प्रिंटर नहीं है तो आप इसे वायरलेस प्रिंटिंग या नेटवर्क के थ्रू प्रिंटिंग नहीं कर सकते। तो USB प्रिंटिंग केबल जो है, प्रिंटर की जो आपकी प्रिंटिंग होगी वो सिर्फ इस केबल के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके साथ एक CD आ जाती है, जिसमें यूज़र मैनुअल और इसके ड्राइवर्स होते हैं, इसमें मैनुअल्स आ जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको एक एरर की LED स्ट्रिप है, उसके अलावा आपकी कॉशन LED है। उसके अलावा इसके साथ आपके 4 बटन्स दिए गए हैं, जिसमें आप कंट्रास्ट इसका कम कर सकते हैं। उसके बाद पेपर की जो प्रिंटिंग का साइज़ है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन का बटन है। इस साइड पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास राउंड शेप में आपके पास 5 बटन है, जिसमें ओके का बटन है, बैक का बटन है, और ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आगे पीछे का बटन है, और मेन्यू का बटन इसमें दिया गया है। लेफ्ट मोस्ट साइड पर अगर हम आते हैं तो हमारे पास पावर ऑन का बटन है, इसे आप पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेट का बटन है और स्टॉप का बटन है। तो आपकी प्रिंटिंग वगैरह अगर बल्क कमांड दी हुई है आपने, तो आप स्टॉप का बटन इस्तेमाल करते हुए इसमें उसको रोक सकते हैं। इनपुट ट्रे की बात करते हैं तो फ्रंट साइड पे इसकी इनपुट ट्रे है, जिसमें आप 250 पेजेस अपने लगा सकते हैं। आउटपुट ट्रे इसकी भी फ्रंट पे आ जाती है। उसके बाद हम इसकी पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको इसकी पोर्ट्स भी दिखा देता हूँ। हमारे पास एक पावर केबल की स्लॉट है, इसमें हम पावर केबल लगा सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास USB प्रिंटिंग केबल जो है उसकी स्लॉट है, उसमें हम USB प्रिंटर केबल लगा के कंप्यूटर से प्रिंट कर सकते हैं। 107A इसमें कार्ट्रिज इस्तेमाल होता है, जिसकी यील्ड तकरीबन 1000 पेजेस से लेके 1200 पेजेस तक होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी और आप उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अनबॉक्सिंग की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद सवाल इस वीडियो से रिलेटेड हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में हमारे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके अपनी मज़ीद मालूमात और स्पेसिफिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं।